कि आप सब जानते हैं कि कल ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने अब खुलेआम कह दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इसराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं, किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने, किस तरीके से आज बाबा बाइडन उनके तलवे चाट रहा है, हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है और आज उसने स्टेटमेंट दिया है ईरान इफ यू थ्रो द बैलिस्टिक मिसाइल वी विल प्रोटेक्ट। ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है, 30 बिलियन डॉलर का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाये जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं दी। इसराइल वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अब इसराइल को मिल गई, राइट? सालों से ईरान प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा था, आसपास जितने प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह हमास हुथीज जितने भी हैं इन सबको सपोर्ट कर रहा था और इससे इजराइल की सिक्योरिटी सिचुएशन बार बार थ्रेटन हो रही थी। वी अंडरस्टैंड दैट इजराइल हैड अ नीड टू रिस्पॉन्ड। जो मिडल ईस्ट में हमें नजर आ सकते हैं और उनका इंपैक्ट पाकिस्तान पे हो सकता है। इंडिया के जो हैं वो इजराइल के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं और हमारे नेबरहुड तक भी पहुंच गया है या पहुंच सकता है, तो पाकिस्तान के लिए जेन्युइनली इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या खतरा हो सकता है? लेकिन वो भी तो खुल के ना इसराइल की भाई हिमायत कर रहा है। इसराइल के साथ इंडिया के ज्यादा ताल्लुकात है, पाकिस्तान के नहीं है, लेकिन बाकी अरब दुनिया के साथ दोनों कंट्रीज के अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं। ईरान ने गलत टाइम चूज किया और वो कर बैठा है जो इसराइल चाह रहा था कि वो करे। बाकी ये पाकिस्तान तुर्की वगैरह जितने है ना ये बगैरत मुल्क है, ये सिर्फ बोल सकते हैं कुछ कर नहीं सकते। मिसाइल हमले और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, ये ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो गई है इस खत्म में। ये खत्म नहीं, ये जंग जो है अगर ईरान तक फैलती है तो ये ईरान से पाकिस्तान तक आएगी। ईरानी राजदूत इराज इलाही ने भारत को मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बताया। उनका मानना है कि भारत के इसराइल के साथ मजबूत संबंध है और भारत इस संघर्ष को रोकने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन 24 घंटे पहले कह रहा था हम लेबनान की मदद नहीं करेंगे, हम हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेंगे। समझता हूं कि ईरान बड़ा होशियारी से काम कर रहा है। इस वक्त इन्होंने ट्रैप ले किया है अमेरिकनों ने और इसराइल ने, ईरान को यह पता है कि जंग नहीं करनी क्योंकि 30,000 अमेरिकन फौज इसको मशरक की वस्ता में है। ईरानियों को डर लग रहा है कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन ना हो जाए, विच इंक्लूड्स खमेनी, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। इंडिया के अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रॉन्गली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और जल साहब हम एक न्यूक्लियर पावर हैं एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें? हमें अपने मुल्क के लिए अपने आप को संभाल के रखा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है, कई मिसाइलें इसराइल पर दागी गई है। इसराइल नसरुल्ला के मरने के बाद ईरान ने इसराइल को धमकी दी थी। हसन नसरुल्ला हिजबुल्लाह का लीडर था, उसको इसराइल ने मिसाइल हमले में मारा था। इसराइल ने हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल पर कई ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया है। ईरान सीधा इसराइल के साथ युद्ध में आया है। इसराइल टेक्नोलॉजी में ईरान से काफ़ी आगे है। इसराइल ने इससे पहले हिजबुल्ला आतंकियों को पेजर अटैक करके हानि पहुंचाई थी। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इस हमले का ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने बड़ी गलती कर दी है हमारे ऊपर हमला करके। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री से बात करके कहा कि आतंकियों के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अमेरिका भी इसराइल के साथ खड़ा है। अब इसराइल भी ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्ला के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्ला की किलिंग का बदला लेने के, ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा? क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल लिबनान गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अच्छी बात नहीं है। अच्छा क्योंकि लेकिन ईरान जो आप डिफेंस में ये कर रहा है,
एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर। बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। एटम बम किस पे चलाएं? ये किन के लिए बनवाया? इसराइल के लिए। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना। हम ऑर्डर दे पाकिस्तान हम अल्लाह की कसम, हम कसम बांध के जाएंगे और उनके जो प्यारे उठते हैं ना, उनके जो प्यारे उड़ते हैं हम बम बांध के उनके प्यारे तबाह उनके एयर बेस में चले जाएंगे। हमारी कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी इसराइल ये है छोटा सा पोटा है। अच्छा। दुनिया का सिर्फ हमारी आवाम को कह दे के शाम को आवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे तो ये आवाम नेस्तो नबूद ना कर दे तो मेरा नाम बने। कश्मीर का मसला हल हो सकता है? पहले बिल्कुल जहाज के नहीं हो सकता। बताता हूँ आप कश्मीर का मसला कैसे हल होगा। जो सिख कम्युनिटी है ना, अच्छा, उनको साथ मिलाएं, ठीक है, वो मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, वो मिलेंगे। फिरोशस हमला होगा और उसके बाद ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाएगा। मैं नेतन्याहू जी को हीरो ही मानती ही भी नहीं हीरो मानती हूँ एंड आई एम क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड अ फॉलोअर ऑफ इसराइल। मेरे ख्याल में इसराइल की तरफ से प्रोपोर्शनल रिस्पांस तो नहीं होगा क्योंकि अभी तक इसराइल की तरफ से कोई चीज प्रोपोर्शनल नहीं हुई। खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकॉनमी सारी डिस्टर्ब हो। इसराइल चाह रहा था कि ईरान को प्रोवोक करे, वो ईरान प्रोवोक हो गया और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा। तो ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे हाथ ना पहुंच सके। हाथ बड़े खराब हो जाने थे और खराब हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीजें करते हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि जी ईरान से मिसाइल दागे गए हैं जबकि पूरे मुल्क भर में सायरन जो है इस वक्त सुनाई दे रहे हैं इजरायल में। और इजरायली फौज ने कहा है कि अमरीका ने ईरान की जानब से मुमकिन मिसाइल हमले से पहले ही खबरदार किया था। ईरान की जानब से मिसाइल हमले के संगीन नतीजे होंगे, ये कहना है इजरायली फौज का। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा क्योंकि ईरान को लेकर एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मेरे लिए तश्वीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें जो इसराइल को इसराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सोशल मीडिया रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।